सबसे पहले पहले पहला पहला लेसन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हर विचार वस्तु बन जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? एक ऐसा संक्रामक रोग जो जितने यहां बैठे हैं ना, जितने भी यहां बैठे हैं सभी को लगा हुआ है। व्हाट इज दैट? एवरीबडी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, माइग्रेन, डिप्रेशन, किसको है किसको नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिजीज विच एवरी इंडिविजुअल सिटिंग इन दिस हॉल और किसी के साथ वो लगा हुआ है। व्हाट इज दैट? क्या है वो रोग? ईगो। ईगो चिंता और चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है। डोंट वरी, मुझे कोई चिंता नहीं होती है। अभी अभी नहीं है, घर में जाएंगी तो जिंदगी में देखो, उनकी जिंदगी में चिंता हो सकती है लेकिन वो चिंतित नहीं हो सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, राइट? परेशानी है लेकिन आप परेशान नहीं है, दुख है लेकिन आप दुखी नहीं है। दैट इज अ चॉइस, दैट इज अ चॉइस। होना ना होना आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके वो वरी बिल्कुल नहीं हो। चिंता के लिए हम मेडिटेट करना चाहते हैं तो मेडिटेट भी टूट जाता है, जैसे मेडिटेट करने नहीं बैठे। सबसे पहला 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 समझ लें कि क्या है ये। हम जो बोलते हैं वो चाहते नहीं, और जो नहीं चाहते हैं वो हम बोलते हैं। और ब्रह्मांड का कानून क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का नियम क्या करता है, आपके हर विचार को मैनिफेस्ट कर देता है लाइफ में। अफर्म व्हाट यू, व्हाट डू यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। आपकी नींद सुबह नहीं खुलती है, हम क्या कहते हैं, मेरी रोज पता नहीं आजकल क्या हो गया, मेरी नींद ही नहीं खुलती है। आपका अंतर्मन सुन लेता है कि मेरे बॉस को रात भर जागना है और आपको जगा कर रखता है। मैं जब भी अपने मित्र के साथ रात को 11 बजे कॉफी पीने के लिए बैठती हूं तो उस रात मैं सो नहीं पाती हूं। आप चाहते क्या है कि कॉफी पीने के बाद भी मैं सो जाऊं, पर हम कहते क्या है, क्या कहते हैं, व्हाट यू वांट यू डोंट से, व्हाट यू डोंट वांट वी से। तो सबसे पहले पहले लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा फंडा है, स्टार्ट सेइंग व्हाट यू वांट, स्टार्ट सेइंग व्हाट यू वांट, नेवर से इट्स टू लेट, इट्स नॉट वेट फॉर मी, आई एम नॉट दैट फॉर्चुनेट, मेरा योग नहीं लगता है, जिंदगी में परेशानियां हैं, टकराव हैं। ऑलवेज से व्हाट यू वांट एंड यू सी टू इट। हम बीमार होते हैं तो बीमारी के बारे में सोचते हैं, बीमारी कंटिन्यू रहती है। हमारे संबंध में टकराव होता तो संबंधों के टकराव के बारे में ही बात करते रहते हैं और टकराव हमारी जिंदगी में आकर्षित होते रहते हैं। आई डोंट फील गुड इन हिज कंपनी, मैं ऊपर वाले को मैसेज भेज रहा हूँ कि मैं इसकी कंपनी में अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझे और भी ऐसी कंपनियां ला के दे जिनकी कंपनी में अच्छा नहीं महसूस करूँ। जितना टकराव, जितना मनमुटाव, जितना कंफ्लिक्ट आपकी जिंदगी में अपने आप से रखोगे ना, और ज्यादा तस्वीरों को पाओगे। से जहां भी गलत स्टेटमेंट आपके मन में आता है ना, मेरी सास बहुत बुरी है, मेरी नणंद मुझे साथ नहीं देती है, मुझे आजकल पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी में खुशी गायब हो गई है, व्हाट यू सेइंग ऑल द टाइम ऑन द डे, व्हाट यू डोंट वांट इवन सेइंग, आई कांट। सबसे पहला पहला फंडामेंटल है वो कहो जो आप चाहते हैं। मेरा बच्चा बहुत नेक दिल इंसान है, मेरी बीवी दुनिया की बेहतरीन जीवन साथी है। Start saying this. ऐसे कैसे टूल्स होते हैं हम शाम तक जाके पूरा देखेंगे। I'm not going home to tell you what are the problems, how we create the problem, but I'm going to give the solutions, right?